क्योंकि मैं अभी बॉम्बे गया, आईआईटी बॉम्बे में बढ़िया व्यवस्था हो गई, लड़की मिल गई और रहने को मिल गया, खाने को, शांति सुकून सब बढ़िया, आदमी मिल गया काम करने के लिए। फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आप सब लोग मिल गए, सारी व्यवस्था, हर चीज व्यवस्था। तो मेरा दिमाग सोचता है कि मतलब सब चीज सही तो है, मतलब क्या खुशी यही होती है क्या? मेरा दिमाग मेरे से पूछता, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या खुशी ये होती है क्या? तो मेरे को ठीक से जवाब नहीं मिल पाता है कि क्या है इसमें। लेकिन जिंदगी में जब कभी गम आता है ना, तो मुझे याद आता है कि हाँ ये खुशी होती है। तो वो आपको याद दिलाने के लिए वो पल, वो आपको जमीन नपाती है वो चीज। आपको बात आ रही समझ में कि जिंदगी में गम भी होता है तो तू अपनी खुशियों में इसको मत भूल जाइयो। तो कितना बड़ा सौभाग्य है, 2017 में वास्तव में मेरा जो बैंक अकाउंट है वो जीरो हो गया। मैं आज चाहकर भी अपना बैंक अकाउंट जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को लोग इतने जानने वाले हैं। उस टाइम मेरे को कोई जानने वाला नहीं था, नौकरी छोड़ दी, सारे रिश्तेदारों को दोस्तों गाली दे दी, डिग्री जला दी, अब सब खत्म हो गया, अब उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। मैं इतना नीचे चला गया, मेरे को जाके देखना था कि कितना नीचे जा सकता है आदमी। असल में दिक्कत यह है कि इंसान डरता है नीचे जाने में, कुछ भी नया करने में उसको लगता है कि अगर मैं आगे गया ना तो नीचे गिर जाऊंगा, तो मैं तो पूरा नीचे गिर गया, अब देखते हैं कितना ऊपर उठ सकते हैं। तो दोबारा मेरा कभी मन करता है ना उतना गरीब होने का, तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं हो ही सकता, मेरा क्यूआर कोड, फोन नंबर इधर उधर चले गए, लोग वैसे पैसे भेज देंगे। और तो अंबानी के पास वो सुविधा नहीं थी उतना गरीब होने की, जितना मेरे पास थी वो सुविधा 2017 में, और आज मेरे पास भी नहीं है। तो दुखी होना एक सुविधा है, मैं आपको शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं। और सुख की वैल्यू भी बताता है कि ऐसा सुख होता है वैसा दुख होता है, जो पहले था वो अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, फिर अच्छा आएगा। मतलब मैं तो बोर हो गया खुशियों से। कहाँ जाऊँ मैं, हर जगह व्यवस्था है, हर जगह लोग हैं, कोई कष्ट ही नहीं है।